तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आज के नए ब्लॉग के अंदर। अभी राइट नाउ हम बाली इंडोनेशिया में हैं। अभी बाली के अंदर उंगासन में हैं और उंगासन से आज हमारी जो आज ट्रिप है नुशा पेरिडा, जो बहुत ही अच्छी जगह है कैसी घूमने की है, जहाँ पे बाली का एक अट्रैक्शन का पॉइंट है, जहाँ पे अलग अलग बीचेस है, हम वहाँ पे आज जाने वाले हैं। कौन से बीच का क्या नाम है, क्या वास्तविकता, काफी सारे बड़े बड़े पिक्चर में आपने देखा होगा वो बीचेस का, बहुत सारे सीन भी आपने देखा होगा। बट चले कोई बात नहीं, स्वागत है आपका फिर से इंडोनेशिया बाली में। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। अभी राइट नाउ हम निकल चुके हैं उंगासन हमारी होटल से। यहाँ से ऑलमोस्ट नुशा पेरिडा का जो रास्ता है 1 घंटे का रास्ता है और ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर है, और बाय बोट हमें जाना पड़ेगा। कल हमने डॉल्फिन वाटर स्पॉट पे हम गए थे, वहीं से हमें बोट हायर करनी पड़ेगी और वहीं से बोट के माध्यम से नुशा पेरिडा हम जा सकते हैं। तो चले दोस्तों कोई बात नहीं, स्वागत है आपका फिर से इस नए ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग को अंत तक देखना और शेयर कर देना आपके सभी ग्रुप के अंदर, आगे के अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू सो मच। नेम जेंडर एज नेशनलिटी तो दोस्तों वापस हम फिर से बाली डॉल्फिन में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारी बोट भी आ चुकी है और पायल भी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या कहोगे आज? अभी जल्दी में है, कम फास्ट। हम हमारी सफर शुरू करते हैं नुशा पेरिडा की बोट से, और यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। हमारा फोटो सेशन चलने वाला है, क्योंकि आप नजारा देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, वाव अमेजिंग है। हम दोनों ही सिर पे, नीचे सभी लोग बैठे हैं, बट ये ऑफर सिर्फ हम दोनों के लिए ही है, बराबर ना? ओके सर, एक बार सब भी आ चुके हैं, वेलकम वेलकम, और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अभी हम राइट नाउ फर्स्ट बीच पे जा रहे हैं, ब्रोकरेन बीच। Let's see. तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रोकरेन बीच, और यहाँ पे काफी सारे पर्यटक भी आ रहे हैं, देख सकते हो आप गाड़ी बहुत ही ज्यादा लग चुकी है। और अभी थोड़े हम लेट हो चुके हैं क्योंकि सुबह ही हम जल्दी नहीं निकले थे। कहा जाता है कि यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है आपको, बट क्या करें हमारे नसीब में नहीं था शायद। बट चले नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो आप ये बात का ख्याल रखें, आप जब भी आते हो तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकल जाइए। आप सुबह 5:30 बजे निकलोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 7 बजे तक पहुँच जाओगे, आपको बहुत ही अच्छा सनसेट देखने को मिलेगा। मेरे साथ अभी धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, बट मैनेज इट, देख लेते आगे, चलिए मेरे साथ। ओके लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट बीच पे, एंजल विलाबॉर्न, जहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक आए। और दोस्तों यहाँ की जो सुंदरता है बहुत ही अद्भुत है, और काफ़ी माना जाता है कि यहाँ की सभी बीचेस की एक खास तौर पे वास्तविकता ये है कि यहाँ का पानी है ना बहुत ही ब्लू और एकदम प्योर है। और दोस्तों यहाँ पे जब आप आते हो तो खास तौर पे अच्छी तरह से शूज़ पहन के आइए, क्योंकि आप चप्पल पे जो आओगे तो आपको ये जो पत्थर है बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी तरह का चोट आपको लग सकता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश होके आइए, क्योंकि माहौल बिल्कुल आप जो सही रखोगे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, तो इस एटमॉस्फेयर को आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। और दूसरी बात कि आज इस एंजल बीच को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी, अभी तो नहा नहीं सकते बट यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे स्विमिंग पूल की तरह लोग नहाते भी है, जो यहाँ तक सभी लोग नहाते हैं। और कुछ भी करो तो अपनी सलामती को साथ में रखते हुए करो, सभी लोग करते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि हम भी कूद जाए। बट चले कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आपको ये बात का ख्याल रखना चाहिए। बढ़ते आगे, थैंक यू।
तो दोस्तों हमारा एंजल बीच का जो सफर था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बाय वॉक जा रहे हैं ब्रोकरेन बीच, जो यहाँ नज़दीकी है और ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता है, बाय वॉक आप जा सकते हो। तो चले कोई बात नहीं, पायल भी थोड़ी थक गई है। हेलो, क्या कहना चाहोगे आज? यहाँ आए तो आप क्या बोलते हैं, स्लीपर अच्छे पहने क्योंकि आप गिर सकते हैं, बीच में बहुत खड्डा खड्डा होता है। क्या बात है, ये दोस्तों रास्ता देखिए आप, जब अच्छे शूज पहन के आओगे तो आपके साथ कुछ दुर्घटना नहीं हो सकती है। पर चले कोई बात नहीं, बढ़ते आगे। नाम में थोड़ा गलती था, नॉट ब्रेकन, दिस इज राइट नेम इज ब्रोकन, ब्रोकन ब्रिज, ब्रोकन। ये थोड़ा हमें यहाँ से चलते चलते जाना है। वाओ दोस्तों, ये जो आप नज़ारा देख रहे हो, ये इनकी वजह से ये बीच का नाम पड़ा है ब्रोकन बीच। दोस्तों नज़ारा देखिए आप एक बार, पर बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों ये, और काफ़ी सारे लोग भी हैं, देश विदेश से काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं वहाँ पे भी आप देखिए। और दोस्तों फाइनली हमारा जो भी कुछ ब्रोकन बीच पे जो भी कुछ फोटोग्राफ थे, काफ़ी सारे फोटोग्राफ पाड़े, वीडियोस उतारे, और बहुत ही अच्छी घूमने लायक जगह है। आइए अभी हम नेक्स्ट प्लेस पे जा रहे हैं, क्लिंकिंग बीच, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस है। मैंने यूट्यूब पे देखा था बीच को और बहुत ही अमेजिंग जगह है। यहाँ से ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का रास्ता है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ आपको मिल सकती है, खासतौर पर पानी और ख़ास तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स, कॉस्ट्यूम्स वगैरह वगैरह। तो आपको बाय करने के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप बाहर से बाय करके आइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है आपको। और ख़ास तौर पर खाने की चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से ढंग से लेके आइए, कल हमने बहुत ही मिस कर दिया था, बट अभी हम साथ में लेके आए तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पायल अभी गर्म पानी से निकाल के पिला देगी, बराबर ने? वो पैकिंग आता है ना, वो साथ में लेकर आइए, उसमें बस गर्म पानी ही डालना है और वो 10-15 मिनट रखते ही वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए कोई बात नहीं, खाने की सुविधा साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पे खाना वेजिटेरियन हो आप तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है। जाके वापस आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमें बहुत लेट हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे 1-2 घंटा रुकना है, और यहीं पे भी वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा है, 500-600 मीटर समथिंग। और चलिए, धूप बहुत ही है, इंडिया से भी ज़्यादा धूप है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम, देखते आगे क्या होता है, आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं, यहाँ का मोमेंट, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग, जैसे यहाँ के लोगों की बात करें तो अमेजिंग है, वो तो मैं कहना चाहता हूँ फिर से, बट नो प्रॉब्लम, कल वाला ब्लॉग जो आपने नहीं देखा है तो एक बार वो भी देख लीजिए। चले कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी भूख लगी है, थोड़ा खा ली लेते हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम खा लें। जी बिल्कुल, तो चलिए ट्राई करते हैं आइसक्रीम यहाँ की। तो यहाँ पे देखिए आप, ये रास्ता कितना क्लीन है, एक भी जगह पे आपको कचरा नहीं दिख रहा है। मेरे हाथ में भी कचरा है, पर मैं डालने डस्टबिन की वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चोखाई देख के मुझे लगता है कि ये जगह को हम गंदा नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज योर नेम? डेनियल। व्हिच कंट्री? स्लोवाकियन। ओके, इट्स कोकोनट वाटर? इट्स वेरी गुड। इट्स सुपर, इट्स ग्रेट। वेरी गुड, अभी पायल ने भी कोकोनट ऑयल हायर किया है। कितने का है? 30,000। 30,000 का? ये दोस्तों 30,000 का कोकोनट ऑयल है, और बहुत बड़ा नारियल है देखिए आप, और वैसे हम वहाँ पे उसकी इज्जत नहीं करते, यहाँ पे छोटी छोटी चीज की बहुत मान्यता है, तो हर एक चीज का महत्व रहता है। दरिया किनारे आए हैं तो कोकोनट ऑयल तो पीना ही पड़ेगा। चलिए कंप्लीट करते हैं पानी, क्योंकि तरस बहुत ज्यादा लगी है। ओके, गुड, सुपर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्लिंकिंग बीच, ये नज़ारा आप ऊपर से देख सकते हो,
वैसे इसको क्लिंकिंग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आप देखिए क्लिंकिंग बीच, यहाँ की एक अमेजिंग जगह जहाँ पे ये नज़ारा देख के दिल अरमान सब कुछ खुश हो जाता है। ये आपको जो दिख रहा है मैंने कहीं गूगल पे पढ़ा था कि इस बीच का नाम क्लिंकिंग इसलिए पड़ा है क्योंकि क्लिंकिंग शब्द यहाँ का एक वैसे डायनासोर के जो लुप्त हो चुके तो डायनासोर के नाम से क्लिंकिंग, और क्लिंकिंग शब्द इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ का जो आप शेप देख सकते हो डायनासोर के जैसा है और उनकी वजह से यहाँ पे इस बीच का नाम क्लिंकिंग बीच पड़ा है। चले ये सच है या झूठ है मुझे कुछ पता नहीं, पर गूगल पे ये लिखा था इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये जो नज़ारा आप देखें बिल्कुल ब्लू पानी और नीचे काफ़ी सारे लोग भी हैं, बट ये जो पूरा ट्रैक है 1.3 आवर का है, 1 घंटा 30 मिनट का पूरा ट्रैक आपको नीचे ले जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा ट्रैकिंग लाइन है जो आपको नीचे ले जाएगा, नीचे भी बहुत ही अद्भुत दृश्य है। और वैसे हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए हम नीचे नहीं जा सकते, मेरा दिल तो था हम नीचे जाए पर हमारे गाइड से कह रहे हैं, बट चले कोई बात नहीं। ये नज़ारा आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ तो कम्प्लीट देखना आप। ज़्यादा लगी है और यहाँ पे नॉनवेज के सिवा कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बट हमारे पास जुगाड़ है, हम इंडिया से हमारे घर से एक चीज़ लेके आए दाल खिचड़ी। और वैसे दाल खिचड़ी आप कहीं पे भी बना सकते हो, गर्म पानी लेना है और पैकेट को गर्म पानी में डाल देना है। तो चलिए अभी मैं दाल खिचड़ी बना रहा हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है, उसको ऐसे डाल देना है और हमारा खाना अभी रेडी हो जाएगा मस्त। दाल खिचड़ी 10 मिनट में हो जाएगी रेडी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और अभी हमें चाय भी पीनी है साथ में, तो चाय के लिए भी हमारे साथ में पैकेट है। अभी पैकेट को सिर्फ ऐसे तोड़ना है, टूट जाए तो उसमें गर्म पानी में डाल देना, ज़्यादा नहीं देना। भगवान की कृपा से हमें नीचे जाने का मौका नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर जाएंगे। तो चले कोई बात नहीं, निकलते अभी क्रिस्टल बीच, यहाँ पे थोड़ा ही नज़दीक है। खाना भरपेट भर लिया है पेट में, तो बहुत ही अमेजिंग खाना था, दाल चावल खाया है तो मज़ा आ गया है। तो चले मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू सो मच। हम लोग चौथी जगह पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है क्रिस्टल बीच। अभी मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे यहाँ के देवी देवताओं का मंदिर है। यहाँ पे बहुत ही मैंने एक कॉमन चीज़ यहाँ पे देखी है, हर एक बीच पे हर एक भगवान का मंदिर था। जैसे हम भी कोई भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे माता जी का मंदिर रहता है, कोई भी देवी देवताओं का मंदिर रहता है, उसी हिसाब से यहीं पर भी आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ के देवी देवता का मंदिर है जिसकी वो हर रोज़ पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बस ज़्यादा कुछ तो वो डिफरेंट है नहीं, हमारा कल्चर और यहाँ का कल्चर बिल्कुल सेम मुझे लग रहा है। तो चले कोई बात नहीं, क्रिस्टल बीच के एंजॉय करते हैं, यहाँ के किसान नज़ारा है क्योंकि तीनों बीच पे हम नहा नहीं सकते थे, बट यहाँ पे काफ़ी लोग स्नान भी कर रहे हैं। थोड़ी सी हम भी ट्राई करेंगे, जो अच्छा पानी रहा तो हम भी नहा लेंगे, बट नो प्रॉब्लम, आपको भी आगे दिखाते हैं। चलिए भगवान हमारे सबकी रक्षा करें और ऐसे ही सबको तन मन धन से तंदुरुस्त रखें, यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। हमारा यहाँ पे बीच का ट्रिप कंप्लीट होता है और यहाँ पे उसकी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है कि आपको कैसा लगा, किस तरह के कितना स्टार देना चाहते हो, तो हमने 5 स्टार दिया है क्योंकि यहाँ का जो भी कुछ फैसिलिटी है बहुत ही अच्छा लगा हमें। अब भी आइए और इस बाली जब भी आती हो तो इस तीनों चारों बीचों की जरूर मुलाकात लीजिए। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हम बहुत ही थके हैं। चले कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ,
थैंक यू।